हमीरपुर के द मैग्नेट पब्लिक स्कूल और ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और नारों के माध्यम से लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक किया। बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर सभी को मतदान करने का आह्वान किया। ये जागरूकता रैली गांधी चौक से लेकर भोटा चौक तक निकाली गई। वहीं द मैग्नेट पब्लिक स्कूल की अध्यापिका ने बताया कि आज बच्चों ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से रैली निकाली, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें और अपनी मनपसंद सरकार चुन सकें। हिमाचल सरकार ने एक जागरूकता अभियान आरंभ किया है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, तो हमारे स्कूल के बच्चों ने भी एक रैली निकाली है। इनका उद्देश्य है कि भाई जो हमारे मतदाता हैं वो वोट देने के प्रति जागरूक हो जाए, और दूसरी बात ये भी है कि यही बच्चे कल को बड़े होंगे तो इनको भी वोट देने का अधिकार मिलेगा, तो ये जो बच्चे हैं ये भी सीख जाएंगे अभी कि वोट हमें ज़रूर देना चाहिए, तभी हम अपनी मनपसंद सरकार जो है वो चुन सकते हैं। तो इसके लिए हमने कक्षा 7वीं से कक्षा 10वीं तक के बच्चों को इन्वॉल्व किया है। सभी कक्षा अध्यापिका जो है और अध्यापक हैं, हमारे खेल शिक्षक हैं जो दीपक धीमान, उनके नेतृत्व में ये रैली निकाली है। आयोजन तो चलो मैंने ही किया, लेकिन उसके अतिरिक्त जितने भी हमारे अध्यापक हैं उन्होंने बहुत सहयोग दिया, और जो हमारे प्रधानाचार्य हैं उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। तो हम अपने जो सर हैं हमारे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जैसा हम चाहते हैं कि हम स्कूल में कोई रैली निकालें या कोई फंक्शन करें तो सर हमें उसकी अनुमति दे देते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ बच्चों ने सुबह यहाँ प्रेयर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की थी, उसमें वंशिका, दीपाली और हर्ष यर्थाप नाम के बच्चों ने भाग लिया। तो उसका भी उद्देश्य यही था कि वोट करना चाहिए, और वोट जो हैं वो लोग जो वोटर जो हैं वो लोग बाहर निकलें घर से और वोट जरूर करें। उसमें यही दिखाया है कि भाई महिलाएं नहीं जा रही हैं वोट देने, क्योंकि उनको घर का बहुत काम होता है कि भैंस को चारा डालना है, कि घर के बर्तन मांजने हैं, बच्चों के लिए खाना बनाना है। तो फिर जागरूक अभियान के तहत हमने ऐसा ये छोटा सा एक आयोजन किया है। वहीं ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के अध्यापक ने बताया कि आज लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से रैली निकाली गई। वहीं बच्चों ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली है, ताकि लोग अधिक से अधिक मतदान करें। उन्होंने कहा कि किसी के एक वोट से किसी की हार जीत निर्भर होती है। बच्चों को यहाँ पे रैली अरेंज करा रहे हैं जिसके अवेयरनेस के लिए, दिस इज ओनली फॉर अवेयरनेस टू नो एवरीबॉडी हाउ वॉट इज इम्पोर्टेंट, सो इस के बारे में बच्चे हमारे ये ऑक्सफोर्ड स्कूल के यहाँ पे रैली प्रदर्शित कर रहे हैं। आज हम ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल से हमने रैली निकाली ताकि टू अवेयर द पर्सन टू गिव द वोट अपनी मर्जी से दे अपना वोट, और एक वोट से भी एक जिससे कि जीत हार हो सकती है, इसलिए हम अपना वोट दें। थैंक यू। I am from Oxford International School. Today we brought here a rally to encourage people that we should vote, because one vote can change winning and lose. So every person should be vote. The voting age is 18 years, above 18 years. So we should vote when the elections come.